पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद को रोकने के लिए बनाए गए कानून को विपक्षी दलों ने पॉलिटिकल स्टंट बना दिया, जिस पर प्रदेश के विधि एवं कानून मंत्री बृजेश पाठक ने आज हरदोई में विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को हमेशा अपने वोट बैंक की चिंता है। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उनका कहना है विपक्षी दलों के पास अब ना तो नीति बची है और ना ही कोई एजेंडा। लव जिहाद जैसा कानून की किताब में कोई वर्ड नहीं है। जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अध्यादेश पास किया है, जो हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला करके, प्रलोभन दे करके, नाम बदल करके शादी करते थे, फिर सड़क पे अधर में छोड़ देते थे, उन पर कड़ाई करने के लिए ये कानून बनाया गया है। हम किसी भी परिस्थिति में बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यदि किसी को शादी करनी है तो 2 माह पहले जिलाधिकारी को सूचना देगा, जिलाधिकारी महोदय सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे। यदि किसी को आपत्ति नहीं तो शादी हो सकेगी। इस कानून के उल्लंघन में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माना भी रखा गया है। तो कानून मंत्री की लव जिहाद कानून को लेकर ये बयान सामने आया, विपक्षी दलों पर जमकर बरसे कानून मंत्री, जिन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो बेकार के एजेंडे बनाकर सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने